हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। लास्ट जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के क्या रूल्स होते हैं, क्या उसके एक्सेप्शंस हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनमें सेंट्रल एटम पर अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है तो आप किस तरह से उसको असाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा टॉपिक है हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। What is coordinate bond? It is a type of covalent bond. ये क्या है? Type of covalent bond. Covalent bond हम लोग discuss कर चुके हैं, ठीक है? ये भी उसी का type है। क्या होता है? तो देखो, It is formed by the sharing of lone pair of इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि वहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, कोई एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहां पर जो भी कंपाउंड होंगे उनमें फर्स्ट एटम या जो एक एटम तो क्या होगा डोनर, और दूसरा एटम क्या होगा एक्सेप्टर। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल NH4+, ठीक है, अमोनियम आयन में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस तरफ में यहां पर रख सकता हूं, ठीक है। यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बात करूं तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करता हूं, इस हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग की और क्या बनाया कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग है यहां पर, इस तरफ हाइड्रोजन ने म्यूचुअल शेयरिंग की, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहां पर भी क्या बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब देखो, फोर्थ हाइड्रोजन जो है वो क्या है H+। हाइड्रोजन के पास वैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसे भी अगर ये लूज कर दे तो H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स इस हाइड्रोजन के पास अभी फिलहाल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो हुआ क्या, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखो, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, इसको वैसे बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी क्या होता है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है लोन पेयर, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से देखो, पहले यहां पर सब जगह पर क्या है, तीनों हाइड्रोजन के केसेस में म्यूचुअल शेयरिंग है, यहां पर क्या होगा म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर रखेगा, सेंटर में, और इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड है, देखो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन अपने दोनों, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या दोनों इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रख दे, उसकी शेयरिंग करे, उससे क्या होगा, देखो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस टाइप से बनने वाले बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा डोनर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नाइट्रोजन क्या है अपने पास, सॉरी, डोनर एटम, और H+ क्या है एक्सेप्टर, ठीक है।
अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आप लोगों को पता है जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं इस तरह से, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये एरो हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ रहेगा और ये इसका टेल पोर्शन है वो डोनर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बाकी जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी का एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल H3O+, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन को मैं सेंटर में रखता हूं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सिक्स इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मैं यहां पर ले लेता हूं, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, H+, ठीक है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो यहां पर तो क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग, क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर भी क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग, क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास देखो दो लोन पेयर है, एक ये और एक ये, तो किसी भी एक लोन पेयर को वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो यहां पर अगर मैं इसको शेयर करवाता हूं इस तरह से, तो ये देखो ये शेयरिंग हुई। अब देखो इस हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो गया। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो बिल्कुल कंप्लीट है, इज इट क्लियर। तो यहां पर इस वाले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा अपने पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस समझ में आ गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने को क्लियर है। अब देखो जिनके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे जनरली उन्हीं को, मतलब उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो हम लोग ये सब ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये अपना टॉपिक नहीं है, डिटेल में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग से चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होंगे, तो डेफिनेशन देखते हैं, कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम लिंक्ड विद नंबर ऑफ आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल K4 FeCN whole 6, दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो CuNH3 whole 4 SO4, ठीक है। ये क्या है, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, इस तरह से ब्रैकेट वगैरह अगर लगा हो तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसको अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं इस एग्जांपल को, तो देखो इधर अगर मैं इसको डिकम्पोज करता हूं तो ये डिकम्पोज होगा 4K+ एंड FeCN whole 6 -4, ठीक है। और अगर मैं इसको डिकम्पोज करता हूं या ब्रेक करता हूं, डिकम्पोज नहीं ब्रेक करूंगा, अगर आयंस में अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, CuNH3 whole 4, और इस तरफ मुझे क्या मिलेगा, SO4 -2, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करता हूं ये 4K+ और ये पूरा एक आयन है, तो देखो ये सिंपल कैटायन है, ये अपने पास क्या है, सिंपल कैटायन, और ये क्या है अपने पास, कॉम्प्लेक्स एनायन, ये क्या है अपने पास, कॉम्प्लेक्स एनायन।
इसको जब मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस टू, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस टू, इस पूरी एंटिटी पर प्लस टू चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, कॉम्प्लेक्स एनायन, और ये क्या होगा मेरे पास, सिंपल, सॉरी ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन, और ये मेरे पास क्या होगा, सिंपल एनायन, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में लेता हूँ, फॉर एग्जांपल K4FeCN को अगर मैंने FeCN होल सिक्स को अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो ये आयन्स में ब्रेक होगा, ये है अपने पास सिंपल कैटायन, ये है अपने पास कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स एनायन की अगर मैं बात करूँ, इस तरह से मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ, K4FeCN होल सिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी एंटिटी, ये पूरा एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिंपल आयंस, या फिर इनको बोलते हैं काउंटर आयंस, क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सिंपल कैटायन, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर एक तो होगा क्या, सेंट्रल एटम, तो यहाँ पर आयरन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है। सी एन होल सिक्स जो है ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो होगा उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स, क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, अटैच होंगे, ठीक है, केमिकली कंबाइन होंगे। यहां पर ये जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस पूरी एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, ये जो एंटिटी है सिर्फ ब्रैकेट वाली एंटिटी, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इज इट क्लियर। तो देखो K4 यहां पर क्या है, सिंपल कैटायन, या जो भी सिंपल कैटायन और एनायन होगा, सेकंड एग्जांपल में एनायन भी है अपने पास, तो जो सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन होते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो होगा या इसके बाहर जो होगा, जो भी यहाँ पर होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे, लिगेंड्स, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर, राउंड ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इज इट क्लियर। तो ये पूरी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इज इट क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये आपको बताएंगे कि इतने बॉन्ड्स के थ्रू ये अटैच है, या इतने मॉलिक्यूल्स बॉन्ड के थ्रू अटैच है, कौन से बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, इज इट क्लियर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की, असाइन करने की बात आएगी, तो मैक्सिमम एग्जांपल्स में आप लोगों को सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN होल सिक्स, अगर मुझे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने को बोला जाएगा तो वो एटम होगा आयरन। आयरन पर हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो मैं किस तरह से करूं, तो देखो जिसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स, ठीक है, उसको हम सपोज करते हैं एक्स। यहां पर आपको पता है पोटेशियम के लिए हम लोगों ने रूल्स देखे थे, ये क्या है, एल्कली मेटल, तो ये क्या होगा, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ऑलवेज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर इंटू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, फोर, ठीक है। अब CN, देखो CN क्या है, एक नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है, ये क्या है, एक नेगेटिव लिगेंड। तो यहाँ पर ये नेगेटिव लिगेंड है CN, इसलिए कितने CN है, सिक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सिक्स। CN का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस वन, कितना होता है, माइनस वन। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, सिक्स CN है तो माइनस सिक्स, सम किसके इक्वल होगा, क्योंकि टोटल क्या है, न्यूट्रल, तो ओवरऑल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस टू। इट मीन्स इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इज इट क्लियर, बात समझ में आती है। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, CuNH3O4SO4, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल एटम कौन है अपने पास, कॉपर, ये क्या है अपने पास, सेंट्रल एटम, ये क्या है अपने पास, NH3O4, ये हैं लिगेंड्स, ये अपने पास लिगेंड, और ये क्या है अपने पास, काउंटर आयन, ठीक है। अब मुझे सेंट्रल एटम मतलब कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्स ले लूंगा।
आप लोगों को कुछ चीज़ें लर्न करनी होगी। अभी मैं टेबल में बता दूंगा, टेबल में पॉजिटिव लिगेंड क्या होते हैं, नेगेटिव लिगेंड क्या होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। SO4 पर चार्ज क्या होता है, -2। सबका सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो X = क्या होगा, +2। इट मीन्स यहाँ पर कॉपर जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, ठीक है। अब पॉजिटिव लिगेंड क्या होते हैं, नेगेटिव लिगेंड कौन से होंगे और न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं, ये मैं एक टेबल के थ्रू आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों को लर्न करने होंगे। अगर आप लोगों को वो अच्छे से लर्न अगर आप लोगों ने वो अच्छे से लर्न कर लिए हैं तो बहुत ईजीली सेंट्रल एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप लोगों को सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं तो आप लोगों को ये टेबल लर्न होनी चाहिए। इसमें नेगेटिव, ये हैं सब नेगेटिव लिगेंड्स, ये इनके चार्ज हैं, ये हैं अपने पास न्यूट्रल लिगेंड्स और ये हैं अपने पास पॉजिटिव लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिगेंड्स आप लोगों को पता होने चाहिए, इनके चार्ज आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अगर ये सब आप लोगों को अच्छे से पता है तो आप बहुत इजीली सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। ओलंपियाड्स में, IGSO वगैरह में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दे दिया जाएगा और आप लोगों से सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल जो पूछे जाते हैं, जो जनरली यूज करते हैं वो सब लिगेंड्स हैं, ठीक है, जिसमें से नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉजिटिव बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन नेगेटिव और न्यूट्रल, ये जो कॉमन लिगेंड्स हैं, ये आप लोगों को लर्न होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लर्न करने हैं। ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनमें हम सेंट्रल एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है K4NiCN4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को निकल पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पोटेशियम। पोटेशियम ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4। निकल को हम क्या ले लेंगे, X, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेट करना है। CN, देखो टेबल के थ्रू अगर आप लोग पता लगा सकते हो, अगर आप लोगों ने टेबल को अच्छे से लर्न किया है, तो CN क्या होगा, एक नेगेटिव लिगेंड है और इस पर चार्ज क्या होता है, -1। तो कितने हैं CN, 4, तो 4 × -1 मतलब -4, तो = क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो = क्या आ जाएगा, X = 0, मतलब निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ CuNH3O4 सल्फेट, ठीक है, तो ये सल्फेट आयन है और NH3 की अगर मैं बात करूँ तो NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। तो सबसे पहले कॉपर, कॉपर के लिए X, NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, 0 × 4 मतलब 0। SO4 इसके लिए क्या होगा, -2, टोटल किसके इक्वल होगा, 0 के। X = +2, इट मीन्स कॉपर जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं Ag की, सिल्वर की। देखो सिल्वर के साथ लिगेंड कौन है, NH3, NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो Ag को हम क्या ले लेंगे, X, NH3 क्या हो जाएगा, 0, Cl क्या है, -1 = 0, तो X = क्या होगा, +1। तो यहाँ पर सिल्वर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। PtNH3O2Cl4 की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम को मैं क्या ले लूंगा, सेंट्रल एटम है इसलिए इसको X, NH3 क्या हो जाएगा, 0, क्लोरीन क्या होता है, -1, तो 4 क्लोरीन है इसलिए -4 = 0, क्लियर। तो X = क्या हो जाएगा, +4, इट मीन्स प्लेटिनम यहां पर क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर से मैं आयरन की बात करता हूं, लेकिन इस बार लिगेंड क्या है, ऑक्सैलेट आयन, कौन सा, ऑक्सैलेट आयन पर चार्ज होता है -2, ठीक है। ऑक्सैलेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, COO-COO-, तो देखो चार्ज कितना है, -2, ठीक है, इसको इस तरह से कंप्रेस करके लिखा हुआ है C2O4। तो K3 तो क्या ले लेंगे, देखो पोटेशियम के लिए +3 हो जाएगा क्योंकि 3 पोटेशियम है। आयरन के लिए मैं क्या ले लूंगा, X, ऑक्सैलेट आयन के लिए क्या लूंगा, -2, कितने हैं, 3, तो -2 × 3 -6, सम का इक्वल किसके होता है, इन ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ये हम लोगों ने रूल्स में देखा था, ठीक है। तो X = क्या हो जाएगा, +3।
यहाँ पर आयरन किस में होगा? प्लस थ्री में। क्रोमियम H2O के साथ है, यहाँ पर Cl3 है, लिगेंड कौन है? H2O न्यूट्रल लिगेंड है। क्रोमियम को मैं क्या ले लूँगा? X, H2O के लिए जीरो, Cl3 है तो यहाँ पर -3, ये किसके इक्वल होगा? जीरो के। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3। यहाँ पर क्रोमियम किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो इन सभी एग्जांपल्स को, तो आप लोगों ने देखा होगा जो भी मेटल्स हैं, सेंट्रल एटम हैं, वो सब क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। इट मींस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन फॉर्म करते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी ये देखा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कलरफुल कंपाउंड। ठीक है, वो क्या होते हैं? सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।